आज के इस आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और मैं आपको वादा करता हूं कि जहां आपकी पुरानी पेंशन के बारे में हक की बात करनी होगी मैं उस प्लेटफॉर्म में उस राज की भी बातों को उठा दूंगा। हेमंत है तो पेंशन है, हेमंत है तो हिम्मत है। आज जिस तरीके से बस आप लोग व्यापारी नहीं है, मैं आप लोगों को व्यापारी के हाथों में नहीं सौंप सकता, मेरा बिल्कुल ये बात नहीं। और व्यापारी दुर्भाग्य से थोड़ा आज देश का बागडोर व्यापारियों के हाथ में है। मुझे लगता है अभी जिस तरीके से संस्थाएं बिक रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि देश बिक के कहीं चला जाए और हम लोग सड़क पर आ जाएं, फिर गुलामी के कहीं में आ जाए, तो ये भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। राजनीतिक लड़ाई हम लड़ेंगे, उसके लिए मुझे कहीं कोई ये नहीं है। बहुत सारे लोग चारों तरफ से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस नौजवान को गिराओ, इस नौजवान को कमजोर करो। मुझे लगता है हेमंत सोरेन मत घबराना, और हेमंत सोरेन मत घबराना। तब क्या लगता है ऐसे में हेमंत सोरेन आप लोगों के साथ अगर खड़ा है तो हेमंत सोरेन को घबराने की जरूरत कभी नहीं हो सकती, मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं। और हमारा पूरा परिवार, पूरा खानदान देखिए, हम आप लोगों के ही बीच के व्यक्ति हैं, हमारा बहुत सारी चीजें हुई थी, राज कर्मचारी और सबको प्रमोशन का काम भी हमारी सरकार ने किया था, आपको याद होना चाहिए। आज मैं उन कितने दुख की बात है कि लोग अपनी हक अधिकार मांगते मांगते सरकार के उदासीनता की वजह से, और अपने अहंकार की वजह से आंदोलन करने वाले लोगों की जान चली जाए। आज ना जाने कितने पारा शिक्षकों की जाने चली गई, आज इतने पारा शिक्षकों के जाने के बाद कहीं ना कहीं उन पारा शिक्षकों का परिवार जो आंदोलन में मारे गए, और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि जब ऊपर वाला लाठी चलाता है ना वो लाठी दिखता है ना आवाज करता है, सीधा उसका असर दिखता है। आज उसी का परिणाम है कि आज एक लाइन से इस राज्य के हर तबके के लोगों में एक एक करके मुस्कान लाने का हमारा प्रयास हो रहा है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, हमारे कर्मचारी संघ के लोग और बहुत सारी चीजें हैं। समय बीतने दीजिए, इस राज को जो इस देश के सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है, आप लोग का आशीर्वाद मिला, अगले 15 सालों के अंदर इस राज को देश के अग्रणी राज्यों में हम लोग लेके चले जाएं। किसी चीज की कमी नहीं है।